यस सर, लेकिन दूर पड़ता है इसलिए चित्राल नहीं जाती, इधर आती हूँ शाम में। ठीक। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमने बिफोर ईद स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने ये बात की थी कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये जब डेटा बना देती है, चाहे जैसे अभी फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर देखा जाए तो दिस जूम एप्लीकेशन इज जनरेटिंग सम डेटा, एंड दैट डेटा डेफिनेटली कंप्राइजेस द ऑडियो, द वीडियो, द स्क्रीन एंड ऑल ऑफ दिस, एंड इट इज गिवन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। बट डू रिमेम्बर दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर हैव द टू प्रोटोकॉल्स, वन इज कॉल्ड टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड द अदर वन इज कॉल्ड यूडीपी प्रोटोकॉल। नाउ द एप्लीकेशन हैज टू डिसाइड ईदर इट हैज टू गिव इट्स डेटा टू द टीसीपी और इट हैज टू गिव इट्स डेटा टू द यूडीपी, एंड देन द यूडीपी विल हैंड ओवर टू दी दीज टू विल हैंड ओवर टू वन एंड ओनली आईपी विच वी हैव कवर। इज इट क्लियर? इसके अलावा जब एप्लीकेशन इसको चंद बाइट्स हवाले कर देती है, मे बी 10 बाइट्स, मे बी 100 बाइट्स, मे बी 1000 बाइट्स, एनी नंबर। नाउ दीज बाइट्स विच आर ऑब्टेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल, वेदर इट इज टीसीपी आर यूडीपी, इट विल बी एंड एडिंग इट्स ओन हेडर। इट विल बी एडिंग इट्स ओन हेडर। टीसीपी विल एड इट्स टीसीपी हेडर एंड यूडीपी विल एड इट्स यूडीपी हेडर। एंड एज यू नो दैट दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। Then the same item will be given to the next layer, which is the network layer, and network layer will add its own header. This whole will be given to the data link layer, and the data link layer will add its own header and trailer. And this phenomena of adding the headers is called encapsulation. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम ये जो अगर ये टीसीपी है तो टीसीपी जब अपना हेडर के साथ ऐड करेगी तो वी कॉल इट सेगमेंट। व्हाट वी कॉल इट? सेगमेंट। और अगर ये यूडीपी अपना हेडर ऐड करेगी तो वी विल कॉल इट द यूडीपी डेटाग्राम। तो याद रखो कि यहां पे एप्लीकेशन ने मैसेज जनरेट किया और ये मैसेज हमने अगर टीसीपी को दिया तो टीसीपी अपने सेगमेंट्स बनाएगा, और अगर यूडीपी को दिया तो यूडीपी अपने डेटाग्राम्स बनाएगा, और ये सेगमेंट्स या डेटाग्राम्स आईपी के हवाले किए जाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक ये है कि अगर ये टीसीपी के हवाले होता है तो टीसीपी इसके साथ जो हेडर ऐड करेगा, तभी तौर पे हेडर का हर एक, क्योंकि टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, यूडीपी एक प्रोटोकॉल है, इसका अपना सेंटेक्स भी होगा और सिमेंटेक्स भी होगा और सिमेंटेक्स भी होगा। चल रहा है इसका अपना सेंटेक्स भी होगा और इसका अपना सिमेंटेक भी होगा। तो आपको पता है कि सेंटेक और सिमेंटेक में फर्क क्या है? कि सेंटेक्स इज अबाउट द ऑर्डर, द सेंटेक्स इज अबाउट द ग्रामर। जैसे ग्रामर होता है ना इंग्लिश में, तो यू गो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आइटम इज द सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज द ग्रामर। सिमिलरली एवरी प्रोटोकॉल हैज इट्स सेंटेक्स। तो जैसे आपको अभी नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि मिनिमम 20 बाइट्स एड कर रहा है टीसीपी। याद रखें कि ये 20 बाइट से लेके 60 बाइट्स तक कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली वी विल फाइंड इट 20 बाइट्स, मोस्टली वी विल फाइंड इट 20 बाइट्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये देखना है कि ये 20 बाइट का ऑर्डर जो है, और याद रखिए सेंटेक्स तो ऑर्डर हो गया, सेंटेक्स तो ऑर्डर हो गया, सिमेंटिक इस ऑर्डर का मीनिंग क्या है? लाजमी तौर पे इनका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, इसका कोई ना कोई मकसद है। मिसाल के तौर पे ये पहली 16 बिट्स हैं, इनका अपना एक मकसद है,
अगली 16 बिट्स हैं, इसका अपना एक मकसद है। अगला 32 बिट्स हैं, इसका अपना एक मकसद है। तो यू कैन सी कि हर एक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन ऑर्डर एंड देन विद इन द ऑर्डर एवरी बिट और ए ग्रुप ऑफ बिट्स हैव अ सर्टेन मीनिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले 16 बिट जो आपके सामने है, जिसको हम क्या नाम क्या देते हैं, सोर्स पोर्ट, इस सोर्स पोर्ट का मकसद क्या है? तो जेंटलमैन, आपने डेफिनेटली देखा है, अगर मैं एक वर्ड की फाइल ओपन करूं, हम बात ही कर रहे थे कि आपको पता है एक ही वक्त में आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन लेयर मल्टीपल प्रोटोकॉल, मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रही होती है। मिसाल के तौर पे ये एप्लीकेशन जैसे अभी जूम चला रही है, ये इस वक्त वेब भी चला रही है, ये इसी वक्त ईमेल भी चला रही है, ये इसी वक्त को चैटिंग भी चला रही है, ये व्हाट्सएप भी चला रही है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन आर देयर। इसके अलावा जितनी भी बाकी एप्लीकेशन हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी भी एप्लीकेशन हैं, उनको हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे साथ अलीशा है, महरोज है, सना है, वर्दा है और जैन। तो ऑनलाइन आ जाओ। हम इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर मिसाल तौर पे हम आईपी के अलावा तस्वर करें, तो हमारे पास अगर लेट करें कि लेट इज यू, हम हेलो कर रहे हैं, नॉर्मल पीएसटीएन फोन है, तो वो हमारा, ये हमारा टीवी है, तो ये एक ही एप्लीकेशन एक वक्त में रन हो रही होती है। हमने हेलो कर रहे हैं, हम दूसरे से बात कर रहे हैं, टीवी आ रहा है, तो एक चैनल हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेट आईपी नेटवर्क है, इसमें हम एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं। हम इस पे एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं। अगर इससे कोई भी इख्तलाफ है तो बात करें, हम एक ही वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं, जिसे भी आपको नजर आ रहा, हम जूम भी रन कर रहे हैं, हम वेब के जरिए भी कुछ कर रहे हैं, हम मेलिंग ईमेलिंग भी कर रहे हैं, हम कहीं व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वेब का डेटा जूम के पास चला जाए, जूम का डेटा मेल के पास चला जाए, मेल का डेटा जो है वो यूट्यूब के पास चला जाए, फेसबुक के पास चला जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का अपना एक एड्रेस है, जिसको कहते हैं पोर्ट नंबर, जिसको कहते हैं पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर्स 0 से लेके 65,535 तक कोई वैल्यू भी, और अभी हम इस पर बात करेंगे कि ये पोर्ट नंबर्स 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं। एक को कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स, एक को कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स, इसके बाद वेल नोन पोर्ट्स, उसके बाद है रजिस्टर्ड पोर्ट्स, नंबर टू रजिस्टर्ड पोर्ट्स, और नंबर थ्री है एफीमिरल पोर्ट्स या टेम्पररी पोर्ट्स, एफीमिरल पोर्ट्स। तो 3 किस्म की पोर्ट्स। तो 0 से लेके 1023 तक जो पोर्ट नंबर्स हैं, दे आर असाइंड टू वेल नोन पोर्ट्स। लाजमी तौर पे आपका सवाल हो सकता है कि जी इस वेल नोन से क्या मुराद है? जेंटलमैन, जो हमारी एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे मेल है, एफटीपी है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, तो जो हमारी ईमेलिंग है,
तो जो हमारी वेल नोन एप्लीकेशंस हैं उनको हमने इनमें से कोई एक पोर्ट परमानेंटली असाइन की। जबकि अगर मिसाल के तौर पे सिस्को का सिक्योरिटी का सिस्टम, लाजमी तौर पे उसको वेल नोन पोर्ट नहीं दी जा सकती, तो वो 1024 से लेके 49,151 है प्रॉब्ली, इस रेंज में से 51 की रेंज में से कोई एक पोर्ट अपने लिए लिखवा ले, और इस 49,151 है प्रॉब्ली, इससे लेके 65 के तक जो पोर्ट्स हैं, ये हमारी जो क्लाइंट की एप्लीकेशंस होती हैं वो ये टेम्पररी पोर्ट्स इस्तेमाल कर। तो मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। अच्छा, सना, वरदा, जैन, अलीशा, यस सर। चलो। तो अब आपको समझ आ गई कि हर एक, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी ये देखना चाहूं कि मैं किस, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, अगर अभी आपकी कम्युनिकेशन मेरी जूम के साथ हो रही है, मैं यहाँ पे वायर शॉक स्टार्ट करता हूं ताकि आपको समझ आए साथ साथ। ये देखिए जी, मैंने ओपन किया वायर शॉक को, जी वायर शॉक स्टार्ट हो गया, देयर इज समथिंग इन चैट एंड यस सर, और यस सर, ठीक है जी जैन और सना। तो जूम सकत ये मेरा चल रहा है, अगर हम इसके प्रोसेस को देखें, प्रोसेस को देखें, होती है एनी। हम इसको चेक करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये आपका वायर शॉक है और इसको हम कहते हैं कि ये है इसका ब्लूटूथ, ये जी वाईफाई, ये वाई, और इस पे हम कुछ ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं। ट्रैफिक कैप्चर होना शुरू हो गई। अब हम एक काम और करते हैं कि इसको हम स्टॉप कर देते हैं, और इस वक्त मेरा आईपी क्या है ये पहले चेक करते हैं। इसके लिए हम सीएमडी ओपन करते हैं, एंटर करते हैं, तो मेरा आईपी इस वक्त है, आईपी कॉन्फ़िग से पता चलेगा। /all एंटर करते हैं, तो ये बता रहा है कि मेरा आईपी जो है वो है जी, मेरा आईपी एड्रेस है 10.137.12.14। तो मैं अपने पास नोट कर लेता हूं कि मेरा आईपी इस वक्त है 10.137.12.14.14, ये जी मेरा आईपी है। अब हम देखते हैं कि जूम का क्या आईपी है।
अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन आना चाहिए जल्दी। टाइम पैक कल से बताया गया हुआ है कि टाइम की क्लास की टाइमिंग क्या है। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया मेरा आईपी। अब हम यहाँ पे आते हैं 12.14 को देखते हैं कि ये G12.14 है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आईपी एड्रेस जो है 206.247.this। अपने पास नोट कर लो अलीशा, जो भी कर ले, 206.247.241.53। अगर ये आईपी है मेरा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करो। ये बता रहा है कि आल्दो कि ये टीसीपी नहीं है, यूडीपी है, लेकिन जस्ट बताना मकसद इस वक्त ये है कि जो चीज में इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है पोर्ट नंबर। सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे के साथ एक खास पोर्ट के ऊपर, सोर्स का पोर्ट नंबर है 54,800, यानी मेरा 45,817, जबकि डेस्टिनेशन का पोर्ट जो है वो 8,801। तो इस ये पोर्ट क्यों? ये पोर्ट क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोर्ट है। ये देखिए 8,000 की रेंज में है जो कि रजिस्टर्ड पोर्ट में, तो जूम ने अपने लिए ये पोर्ट रजिस्टर करवाई हुई है, जबकि हमने अपनी पोर्ट कोई रजिस्टर नहीं की हुई, इसलिए हमें इस रेंज में 49,151 की रेंज से मिला है, विच इज 54,817। अब ये वाला पोर्ट 8,800, और ये कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है? यूडीपी। ये कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर, कौन सी पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है? यूडीपी। यही बात समझाना मकसद है कि हमारे मेरे एंड के ऊपर जूम कोई 54,000 का है, 54,000 का कोई पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी साइड के ऊपर 8,801 का पोर्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी फायदा क्या है कि हर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से उसका डेटा अलग अलग हो जाता, तो ये एक बहुत बड़ा यूज है, फायदा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर। तो सबसे दो पहली चीजें जो आपने सीखी वो है कि हर एक कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ताकि क्योंकि आईपी से ये पता चलता है, क्योंकि नेक्स्ट लेयर जो आपने पढ़ ली हुई है, आईपी सिर्फ ये बताता है कि आपकी इंटरफेस कौन सी है। क्योंकि आप तो आल्दो के IP4 में हम होस्ट को कहते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि आईपी होस्ट का नहीं होता, इंटरफेस का होता है। ये बेसिकली आईपी जो है वो इंटरफेस टू इंटरफेस कम्युनिकेशन करवाता है, और ये प्रोसेस टू प्रोसेस यानी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या एंड टू एंड कम्युनिकेशन करवाता है। तो दिस इज अनदर, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास चार किस्म के एड्रेसेस, लेयर टू के ऊपर मैक एड्रेस, लेयर थ्री के ऊपर आईपी एड्रेस, और इस लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पोर्ट एड्रेस। तो ये तीनों एड्रेसेस हमारे लिए जरूरी हैं, हम किसी एक एड्रेस को भी छोड़ के अपना काम नहीं कर सकते। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको समझ आ गया कि सोर्स पोर्ट क्यों है और डेस्टिनेशन पोर्ट क्यों है। अब इसके बाद है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि, और या ये आपने पूछा नहीं मुझसे, लेकिन क्वेश्चन बनता था कि 65,000 क्यों, 2 पावर 16 डिफरेंट पोर्ट्स हो सकती हैं, 2 पावर 16 इज 0 to 65,535। ओके, अब आपका सवाल ये बनता है कि सीक्वेंस नंबर का क्या काम है, क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर कि ये जो पोर्ट नंबर्स हैं ये तो मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो गए, क्योंकि आईपी तो सारा डेटा इकट्ठा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे रहा है, सारा टीसीपी को दे रहा है,
ये टीसीपी उसके ऊपर अलग अलग पोर्ट वाइज अलग अलग करेगा, इस तरह तमाम पोर्ट टीसीपी को दे रही है, इसका मतलब मल्टीप्लेक्स हो रहा है। जब तमाम आईपी तमाम दे रहा होता है तो फिर ये अलग अलग करके हर एक पोर्ट को अलग अलग उसका डेटा हैंड ओवर करते हैं, तो मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग का टास्क सोर्स पोर्ट डिस्टिनेशन पोर्ट के जरिए हो। उसके बाद है रिलायबिलिटी के लिए सीक्वेंस नंबर, कि आपने हर एक सेगमेंट को, अभी मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं लेकिन कुछ देर में सही बोलूंगा, कि अभी मैं ये कह रहा हूं कि हर एक सेगमेंट को नंबर करना है। आसानी के लिए जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो हम यही बात करते हैं कि जी हर एक सेगमेंट को साफ करना है, नंबर देना है, ठीक है, दिस इज टू सम एक्सटेंट। लेकिन रियलिटी में सेगमेंट को नंबर नहीं दिया जाता, बाइट्स को नंबर दिया जाता है। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं जी कि सर क्या मतलब है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मकसद ये है कहने का कि अगर हमने, जैसे मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा अगर आपको एप्लीकेशन लेयर ने डेटा दिया और ये डेटा लेट करें 100 बाइट्स है, लेट करें 100 बाइट्स है, 70 बाइट्स है, जो मर्जी आप, कोई कुछ भी हो सकता है, तो लेट करें कि उसने 100 बाइट्स दिए। अब इस 100 बाइट्स में आप क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस नंबर दे देंगे 1, यानी पहला बाइट जो इस सेगमेंट में है वो नंबर आप यहां पे सीक्वेंस नंबर में लिख देंगे, जैसे 1। अब साथ ही इसका लेंथ पता है कि इसका लेंथ मिसाल के तौर पे 100 है, तो वो एज्यूम करेगा कि 1 से लेके 100 तक इसमें बाइट्स, इसमें लेंथ है, लेकिन पहला बाइट कौन सा है, उसका नाम है बाइट नंबर 1। उसके बाद यहां पे एक्नॉलेजमेंट है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे नाम से जाहिर है कि एक्नॉलेजमेंट आपको ये बताता है कि जब आप जवाब दें, यानी आपको ये 100 बाइट्स पहुंच गए, तो अब आपको कौन सा, आपने बताना है कि मुझे 100 बाइट्स मिल गए हैं, क्योंकि मैं इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं, कि आप अपने डेस्टिनेशन सोर्स को बताते हैं कि जो तुमने मुझे 100 बाइट भेजे हैं वो मुझे माशाल्लाह मिल गए। तो दिस फिनोमिना इज का दिस गिवन बाय द एक्नॉलेजमेंट। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कोई आपके बाइट रास्ते में, कहीं आपका सेगमेंट रास्ते में कहीं लॉस हो गया है, बात समझ आ रही है ना, आपका सेगमेंट रास्ते में कहीं लॉस हो गया, तो इस अमल से वे एक्नॉलेजमेंट में आप क्या करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट में जितने बाइट्स आपको रिसीव हुए हैं, मिसाल के तौर पर 100, तो आप एक्नॉलेजमेंट में इसको 101 भेज देते हैं, जिसका मतलब है कि आप मुझे, तुम 101 से स्टार्ट करो, मुझे 100 बाइट्स मिल गए। अब लेट करें आपने 200 बाइट्स की देर में एप्लीकेशन लेयर ने दे दिए, तो आप अपना सीक्वेंस नंबर लिख देंगे 101 और भेज देंगे, सीक्वेंस नंबर आप लिख देंगे 101 और इसमें 200 बाइट्स डाल देंगे। तो यूं इन दो फील्ड्स की वजह से ये पता चलता है कि मेरे बाइट्स पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे। तो एक समय इसे क्या, इस दो जो 32 32 बाइट्स के वर्ड्स हैं, इनकी मदद से हमें दो चीजों का फायदा होता है। एक तो रिलायबिलिटी मिल जाती है कि पता चल जाता है कि मेरा डेटा पहुंच गया है, और दूसरा अगर ऑर्डर में गलती हो जाए तो हम इन्हीं सीक्वेंस नंबर की मदद से इसको ऑर्डर कर सकते। दो फायदे हो गए, मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग की समझ आ गई, और ये भी समझ आ गया कि जी रिलायबिलिटी कैसे आ रही है, ये भी समझ आ गया कि ऑर्डर डिलीवरी कैसे आ जाएगी। उसके बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन द नेक्स्ट थर्ड वर्ड जो है, इसमें चार सिर्फ बिट्स, जिसको कहते हैं हेडर लेंथ। तो चार बिट्स में आपको पता है कि 0000 से लेके 1111 तक वैल्यूज हो सकती है, वेयर दिस 0000 इज इक्वल टू 0 एंड 111 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब है कि इस फील्ड में आप 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज शो कर सकते हैं हेडर लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप में से किसी से पूछ दूं, क्योंकि जकी बड़ा बिजी है, उससे पूछते हैं कि
कि जकी अगर मैं ये जो आपको सामने नजर आ रहा है इसमें में आप क्या लिखेंगे हेडर लेंथ के अंदर। और उससे पहले अगर मुझे कोई ऑनलाइन बता दे तो और अच्छी बात है, मुझे कोई खफगी नहीं होगी कि अगर यहां पे हेडर लेंथ में हेडर का लेंथ बताना है जो कि आपको पता है कि 20 बाइट्स है, और जो डिफॉल्ट वैल्यू है 20 बाइट्स है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे हेडर लेंथ के अंदर। जी तो बता दे जैसे दिल चाहे, ऑनलाइन वाले बता दें, फिजिकल वाले बता दें, जो दिल चाहे बताए। जकी कहता है जी ये लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था तो मैं वहां से चेक करके बताता हूं। अब्दुल्ला भी बता सकता है कि यहां पे क्या लिखूं, कि बताना तो है इस फील्ड का, हमने बताया है कि जी ऑर्डर होता है और हर एक बिट या चंद ग्रुप ऑफ बिट्स का कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला और इंजीनियर साइंटिस्ट कभी भी कोई चीज बगैर मकसद के नहीं बनाते। तो ये 4 बिट भी कि हर पैकेट में ये 4 बिट जाने हैं, हर सेगमेंट में ये 4 बिट जाने हैं, तो बगैर मकसद के तो कोई नहीं सकता। जी जी क्या होना चाहिए, पोर्ट हाँ नंबर? नहीं, पोर्ट नंबर तो आप यहां देंगे ऊपर शहजादे, पोर्ट नंबर तो ये है, ये पोर्ट नंबर है। ये तो मैं हेडर लेंथ पूछ रहा हूं कि यहां पे मुझे टेक्निकली तो मुझे ये नजर आता है कि अगर 4 बिट्स हैं तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक हो सकता है, जिसका मीनिंग है, जिसका मेरे ख्याल से मीनिंग ये है कि या तो 0 0 0 है तो इट मीन्स 0, और अगर ये ऑल वंस हैं तो इट मीन्स 15। तो इसका मतलब मैं यहां से इतनी 0 से लेके 15 तक कोई वैल्यू लिख सकता हूं, लेकिन इसका लेंथ तो 20 बाइट्स है, तो यहां मैं क्या लिखूं। तो मुझे इतनी देर में ऑनलाइन से कुछ जवाब आया है और सना ने कहा कि 4 × 5 लिखो, 20। 4 × 5 मीन्स 20 सना, तो 4 बिट्स में तो 20 आ नहीं सकता, फिर तो उसके लिए 5 बिट्स चाहिए कम से कम। जी क्या ख्याल है? तो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये आप इनको 4 बाइट्स मत ज़ूम करो, इसको एक वर्ड ज़ूम करो, वन वर्ड, टू वर्ड, टू वर्ड्स, थ्री वर्ड, फोर वर्ड, फाइव वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं यहां पे इस हेडर में, कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं, ईच वर्ड इज ऑफ 4 बाइट्स। आप यहां पे 5 वर्ड्स लिख देंगे, इससे पता चलेगा आपके मशीन को जिस पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर चल रहा है कि कहां तक हेडर है, और उसके बाद फिर आपके आपका एप्लीकेशन लेयर का डेटा है। तो कहता है कि 5 वर्ड पढ़ो और उसके बाद छठा वर्ड जो होगा डैट विल बी शोइंग यू व्हाट दी एप्लीकेशन लेयर डेटा, विच इन माय केस इज जूम डेटा। कुछ बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? लेकिन ये मैंने कहा कि 0 से 15 तक हो सकता है, ऑल्दो टेक्निक थ्योरेटिकली इट कैन बी फ्रॉम 0 टू 15, हेयर इट कैन बी फ्रॉम 5 टू 15, क्योंकि 1 वर्ड 0 वर्ड नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, मिनिमम इज 5 वर्ड्स। तो इट कैन मूव फ्रॉम 15 अप टू अप फ्रॉम 5 अप टू 15। तो अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी इसमें शो करनी है तो दैट कैन बी शोन बाय यूजिंग दीज ऑप्शनल वर्ड्स, मोस्टली ये इस्तेमाल नहीं होते लेकिन फैसिलिटी है। तो हमें हेडर का भी समझ, उम्मीद करता हूं कि आ गया। उसके बाद अगले 6 वर्ड्स हैं जिनको रिजर्व रखा गया है, दे आर फॉर द फ्यूचर यूज, इसलिए हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हम इस किस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे, बट दे हैव बिन रिजर्व फॉर द फ्यूचर। उसके बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन कंट्रोल बिट्स, और ये भी 6 है, इस नाम से जाहिर है कंट्रोल बिट्स, ये भी 6 है।
इनको समझते हैं कि इन 6 बिट्स का क्या काम है। उसके बाद हम देखेंगे कि विंडोज की 16 बाइट्स का क्या मकसद है, फिर हम देखेंगे कि 16 बिट का चेकसम का क्या मकसद है, और आखिर में हम देखेंगे कि अर्जेंट बिट्स का क्या मकसद है, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या कुछ हम ऐड करते हैं इन आवर टीसीपी हेडर। तो जेंटलमैन, हम जाते हैं वापस किसके पास, हम जाते हैं वापस कंट्रोल बिट के पास। तो ये मैंने बताया कि 6 कंट्रोल बिट्स, एक एक कर को देखते हैं कि यहां पे 6 बिट्स हैं, लेट करें एक्स वाई जी ए बी सी। तो ये 6 बिट या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, यानी एक्स कैन टेक ए वैल्यू ऑफ 0 और 1, वाई कैन टेक ए वैल्यू ऑफ 0 और 1, जी कैन टेक ए वैल्यू ऑफ 0 एंड 1, सिमिलरली ए कैन टेक ए वैल्यू 1 एंड 0, सिमिलरली विद बी एंड सी। तो अब हमें देखना ये होगा कि ये पहली बिट क्या रिप्रेजेंट करती, किस चीज को कंट्रोल करती है, दूसरी बिट किस चीज को कंट्रोल करती है, तीसरी किसको करती है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये चीज हमने चेक कर। तो जेंटलमैन, अगर मैं आपको यहां पे ले आऊं और एक एक बिट एक्सप्लेन कर दूं तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। सो हियर इट इज, हियर इट इज दी ये सेक्शन खत्म हो तो फिर हम देखें कुछ सोया सोया सा हुआ है। ये देखते हैं हर एक बिट का मकसद आपको क्लियर करता हूं। छह बिट्स का आपको मकसद क्लियर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो जेंटलमैन, तो ये हैं जी आपकी 6 बिट्स। पहली बिट का नाम है अर्जेंट, नंबर 2 एक्नॉलेजमेंट, नंबर 3 पुश, नंबर 4 रीसेट, नंबर 5 सिंक एंड नंबर लास्ट फिन। तो ये हैं 6 बिट्स, पहली अर्जेंट बिट, नंबर 2 एक, नंबर 3 पुश, नंबर 4 रीसेट, नंबर 5 सिंक एंड नंबर लास्ट फिन। तो ईच ऑफ दीज कैन बी ईदर 1 और 0 एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो जेंटलमैन, अगर ये अर्जेंट है, ये बिट 1 है, इसका मतलब ये है जी, इसका मकसद ये होगा कि जो सेगमेंट आपके पास आया है, इस सेगमेंट में कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट आइटम है और आप इस अर्जेंट पॉइंटर पे जाके ये पॉइंट करेगा उस सेगमेंट में, ये 16 बिट्स पॉइंट करेंगे उस पार्ट को जहां पे वो अर्जेंट डेटा पड़ा हुआ है, ताकि उस डेटा को अर्जेंटली डील किया जाए, क्योंकि सोर्स समझ रहा है कि उसने इस सेगमेंट के अंदर कहीं अर्जेंट डेटा भेजा हुआ है। उस पार्ट को डेस्टिनेशन क्विकली कंज्यूम करे, इसको कहते हैं अर्जेंट। और अगर ये 0 है तो बस का मतलब ये है कि उसको अर्जेंट है, इसी में कोई अर्जेंट डेटा नहीं है। कूल, अब हमें समझ आ गई कि अर्जेंट डेटा का क्या मकसद। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक जब चंद बाइट्स जाते हैं डेस्टिनेशन की तरफ, तो डेस्टिनेशन उस पे एक भेजता है, किस लिए, रिलायबिलिटी। अभी हमने देखा है, देखिए ये लिखा भी हुआ है क्या, जब आप कोई चीज सीक्वेंस नंबर भेजती हो तो डेस्टिनेशन आपको एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अगर वो आपको एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है तो वो इस एक की बिट को 1 कर देगा, एक के बिट को
वन कर दे ताकि आपको पता चले कि ये एक है, ये कोई डेटा नहीं आया बल्कि आपके डेटा की एक्नॉलेजमेंट है कि जी मुझे आपका डेटा मिल। जी सो वी स्टार्टिंग अगेन। तो हम बात कर रहे थे कि हमने बात की अबाउट दी एक्नॉलेजमेंट। अगर आप कोई डेटा भेजी और उस डेटा की एक्नॉलेजमेंट आपको वापस भेजी जाए, कैसे भेजी जाए? जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, सोर्स कुछ सेगमेंट भेजता है डेस्टिनेशन की तरफ। तो डेस्टिनेशन जो है, डेस्ट जो है, सोर्स जो है, डेस्टिनेशन क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट इसका भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये डेटा है या ये एक्नॉलेजमेंट है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक्नॉलेजमेंट आपको नजर आएगी यहां से, ये एक्नॉलेजमेंट यहां से नजर आएगी। उसके बाद है पुश, PSH, पुश। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि या तो जैसे अभी एक्नॉलेजमेंट या वन होगा, जीरो अगर वन है तो इसका मतलब है कि ये सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट का है, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है, अगले चेक करो। लेकिन ये भी याद रखो, ये नहीं कि अगर एक ये वन हो गया और कोई दूसरा भी फिर तमाम जीरो हो गई, नहीं, दो भी वन हो सकते हैं, तीन भी वन हो सकते हैं। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, द थर्ड वन इज द पुश, PSH। पुश का मतलब यह है कि आप अपने रिसीवर को कह रही हैं कि जितने भी बाइट्स आपके पास आई हैं, अपने बफर को फुल होने का इंतजार मत करो, जितने मिले हैं, चाहे 10 बाइट मिले हैं, 20 मिले हैं, 30 मिले हैं, वट एवर, इनको एप्लीकेशन के हवाले करो, वेट मत करो टू मेक योर बफर फुल। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई डेटा आता है तो ये मिसाल तौर पर डेस्टिनेशन इसको अपने बफर में डालेगी, तो आप इसे कह रहे हैं कि जी बफर में को फुल होने का इंतजार मत करो, जितने भी मिल गए हैं बस उसको, ये अगर ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसके ऊपर ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, आप इसे कह रहे हैं कि जितने भी मिल गए हैं इस पोर्ट के जरिए, पोर्ट नंबर के जरिए एप्लीकेशन के हवाले करो, डोंट वेट। तो दिस इज द जॉब ऑफ द पुश सेगमेंट, पुश कंट्रोल फ्लैग जिन्हें कहते हैं, फ्लैग। उसके बाद है रीसेट फ्लैग। लेडीज एंड जेंटलमैन, और अभी आपको थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा और बताऊंगा अबाउट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं रीसेट फ्लैग की। रीसेट फ्लैग का मतलब यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पे, इसको अच्छा यूज भी हो सकता है और बुरा यूज भी हो सकता है, अच्छा यूज इसके लिए बनाया गया था वो तो ये था कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो एक नोड दूसरे नोड को कह दे कि भाई बस कनेक्शन बंद करो, इसमें कोई एरर हो चुका है, तो सिंपली आप एक रीसेट फ्लैग भेज देंगे और डेस्टिनेशन समझ जाएगा कि भाई बस ना ये कम्युनिकेशन और नहीं चल सकती, ये कम्युनिकेशन और नहीं चल सकती, फिनिश, द कनेक्शन इज ड्रॉप। तो इस पर्पस के लिए रीसेट फ्लैग बनाया गया। लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो एक और रिस्क के साथ खेल खेलते हैं। मिसाल के तौर पे ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, तो ये बंदा मैन इन द मिडल बन जाता है, और मैन इन द मिडल बन के इस सोर्स को एक रीसेट पैकेट भेज देता है, रीसेट फ्लैग भेज देता है। तो सोर्स तो ये समझता है कि जी मेरे साथ डेस्टिनेशन और बात करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन ये खुद डेस्टिनेशन के साथ बात में लग जाता है। तो यूं डेस्टिनेशन को तो नहीं, तो रीसेट नहीं भेजा होता,
उसने तो अपना कनेक्शन क्लोज नहीं किया, तो यू ये मैन इन द मिडल सोर्स के तौर पे एक्ट करता है और डेस्टिनेशन के साथ अपनी कन्वर्जेशन कंटिन्यू रखता है, चाहे वो फाइनेंशियल का कोई ट्रांजेक्शन करनी है या कुछ भी करना है। तो इसलिए रीसेट का फ्लैग काफी डेंजरस फ्लैग है। तो बनाया तो अच्छे पर्पज के लिए गया था जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो हैकर्स हैं जो वो इसको गलत पर्पज वाइज सोर्स को कहते हैं खामोश हो जाओ और डेस्टिनेशन से खुद स्टार्ट काम स्टार्ट ले लेती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रीसेट फ्लैग। उसके बाद है सिंक फ्लैग, सिंक और आखिर में फिन। तो मैं आपको ये बताता चलूं, शायद पहले भी आपको बताया है कि जब भी कोई ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के मतलब टीसीपी के थ्रू होती है, तो बिफोर द कम्युनिकेशन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन थ्री वे हैंडशेक करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले कोई भी सोर्स बन सकता है, कोई भी डेस्टिनेशन बन सकता है। सोर्स डेस्टिनेशन को एक सिंक पैकेट भेजता है जिसको, यानी वो सिंक पैकेट का मतलब क्या है, सिंक पैकेट का मतलब है कि सिंक फ्लैग को वन कर देता है, सिंक फ्लैग को वन कर देता है। उसके बाद जब डेस्टिनेशन अगर इसके बात करने में इंटरेस्टेड है तो वो इसको एक्नॉलेज कर देगी, वो इसको एक्नॉलेज कर देगी, यानी ठीक है जी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए हाजिर, नाइस। अब अगर इससे ये पता चला कि डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ जवाब देने के लिए हाजिर, अपना सवाल नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी सवाल करे, तो फिर होगा क्या कि वो भी अपना सिंक इसकी तरफ भेजेगी। इसलिए हम कहते हैं सिंक प्लस एक्ट, वापसी में क्या चीज आ रही है, सिंक प्लस एक्ट, सिंक प्लस एक्ट। अब इसका मतलब यह है कि इसने डेस्टिनेशन में अपना सिंक भेज के पूछा, क्या जनाब आप भी मेरे सवालों का जवाब देंगे, तो डेस्टिनेशन कहती है, सोर्स कहते हैं हाँ जी एक्ट। तो ये जो दो पैकेट्स हैं सिंक, ये सिंक फ्लैग को आप वन करके हासिल करेंगे, ये सिंक फ्लैग को वन करके हासिल करेंगे, और आप इसमें क्या करेंगे, सिंक फ्लैग को भी वन कर देंगे और एक्ट फ्लैग को भी वन कर देंगे। इसका मतलब है कि आप अपने डेस्टिनेशन सोर्स को ये बता रहे हैं कि मैं जो आपने भेजा वो भी कबूल, और मेरा भी जो आपने मुझे अपनी एक्ट भेजी इससे मुझे पता चल गया कि आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, और जो आपने मुझे अपना सिंक भेजा इसे मुझे पता चल गया कि आप मुझसे सिंक का मतलब है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, और एक्ट का मतलब है कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। इसका मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगी, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी थ्री वेज। तो इससे आपको समझ आ गई कि सिंक किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं। अब लाजमी तौर पे एक फ्लैग रह गया, बाकी छह पांच फ्लैग मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अर्जेंट फ्लैग भी एक्सप्लेन कर दिया, पुश भी एक्सप्लेन कर दिया, रीसेट भी एक्सप्लेन कर दिया, सिंक भी कर दिया, एक्ट भी कर दिया, सिर्फ एक फ्लैग रह गया जिसको कहते हैं फिन फ्लैग, जिसको कहते हैं फिन फ्लैग। फिन का मतलब है फिनिश से, फिन का मतलब है फिनिश। लाजमी तौर पे अगर अभी दो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कम्युनिकेशन हुई है, स्टार्ट हुई है, तो कभी तो खत्म भी होगी, लाजमी तौर पे कभी तो खत्म होगी, चाहे 5 मिनट में हो, चाहे 1 मिनट में हो, चाहे 15 दिन में हो, कभी तो खत्म होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए मिसाल के तौर पे सोर्स के पास और डेटा नहीं है भेजने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो फिन भेज देगा, फिन का फ्लैग सेट करके एक सेगमेंट भेज देगा। इसका मतलब वो बता रहा है डेस्टिनेशन को कि जी मेरे पास और डेटा नहीं, मेरे पास और डेटा नहीं,
लेकिन सोर्स ने नहीं, डेस्टिनेशन ने नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद भी डेस्टिनेशन अपना डेटा बेचता रहेगा, बेचता रहेगा डेटा डी वन डी टू, और सोर्स को एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी क्योंकि डेस्टिनेशन है तो आप फिन नहीं भेजा। हाँ एक चीज रह गई, जब आपने फिन भेजा सोर्स ने तो डेस्टिनेशन इसको एक करेगी, डेस्टिनेशन इस फिन को एक कर देगी। ठीक है जी, आप और नहीं भेजना चाहते, मुझे समझ आ गई। इसका मतलब है कि अब ये कनेक्शन वन वे ओपन है, यानी डेस्टिनेशन भेज सकता है डी वन डी टू, लेकिन अब सोर्स को ने अपने भेजने के अपने रास्ते बंद कर दिए, तो इसको अब ये हाफ ओपन कनेक्शन, डेस्टिनेशन भेज सकता है, सोर्स ने अपने हाथ काट दिए। अब इसके बाद जब डेस्टिनेशन भी एक वक्त आएगा तो उसके बाद और डेटा भेजने के लिए नहीं होगा, वो भी अपना फिन भेज देगा और सोर्स उसको एक कर देगा। ठीक है, आपने जो फिन भेजा मैंने उसको एक कर दिया, इसका मतलब है कि इसने भी कहा मैं और नहीं भेजना चाहता। जब इसने ये कह दिया तो सोर्स ने ये कनेक्शन क्लोज हो गया। इन दो मैसेजेस, दो यहां और दो यहां मैसेजेस की वजह से अब ये कनेक्शन क्लोज हो गया और फिन की हमें समझ आ गई। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई समझ या नहीं आई? अलीशा, अनम, महरोज? यस सर। ओके जी, तो ये यहां पे तो बड़े, हमारी स्लाइड में तो बड़ा सिर्फ लिख दिया था कंट्रोल बिट्स, छह चांद छुड़ा ली, लेकिन मैंने एक एक बिट को एक्सप्लेन किया जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जी ए बी सी। तो मैंने हर एक को एक्सप्लेन किया कि वन होगा तो पहला बिट अगर वन होगा तो क्या होगा, दूसरा बिट अगर वन होगा तो क्या होगा, तीसरा बिट अगर वन होगा तो क्या होगा। तो हर एक बिट का वन और जीरो होने का मकसद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। अगर क्लियर हो गई तो फिर हम आते हैं विंडोज के ऊपर जो कि 16 बिट की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस 16 बिट का मकसद यह है कि ये जब आप, अभी हमने पढ़ा था कि जब आपका कनेक्शन बनता है उस वक्त भी ये निगोशिएट होता है और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन भी ये कम ज्यादा हो सकता है। यानी पहले तो मकसद बता दूं कि मकसद क्या है। मकसद इसका है फ्लो कंट्रोल, मकसद है इसका फ्लो कंट्रोल। और मैंने आपको बताया था कि टीसीपी रिलायबिलिटी मक्सिंग करता है, रिलायबिलिटी करता है, ऑर्डर डिलीवरी करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। तो फ्लो कंट्रोल कैसे करता है ये अभी एक्सप्लेन कर देते हैं जी। ये बेसिकली जब आप मिसाल के तौर पे आपने यहां पे 1000 भेज दिया, क्योंकि आपको पता है 16 बिट में 0 से लेकर 65535 तक की वैल्यूज हो सकती हैं। आपने लेट करें 1000 भेज दिया, इसका मतलब है कि आपने डेस्टिनेशन को यह बता दिया आपने कि भाई आप मुझे 1000 बिट्स भेजो और बगैर एक्नॉलेजमेंट के, बगैर एक्नॉलेजमेंट के 1000 बिट्स भेज सकते हैं। अगर 1000 से हो जाए और आपको एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो इसका मतलब है कि आप रुक जाए, इसका मतलब है कि आप उसको, उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कब ये आप इंक्रीज करते हैं और कब डिक्रीज करते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी नेटवर्क में कंजेशन इंक्रीज होता है यानी पैकेट का लॉस बढ़ता है तो आप अपने विंडो साइज को कम कर देते हैं, और जो ही कंजेशन खत्म होती है नेटवर्क से तो आप अपनी कंजेशन जब कम होती, खत्म होती है, कम होती है, आप अपने विंडो साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो यूं आपकी तरफ जो बाइट्स या बिट्स आ रहे होते हैं उनकी रफ्तार कम और ज्यादा होती रहती है, इसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल। बात समझ आ गई? यस सर। नाइस। उसके बाद है चेकसम। चेकसम का काम है एरर को डिटेक्ट करना, एरर डिटेक्शन। चेकसम का मुख्तलिफ मेथड है इस एरर डिटेक्शन के लिए, उनमें से एक और बहुत ही आसान,
चेकसम। अगर आपको याद हो मैंने आपको इससे भी एक आसान एग्जांपल दी थी और वो थी पैरिटी चेक की, कि अगर आपके पास 7 बिट्स हैं और आप इवन पैरिटी पे जा रही हैं, मिसाल के तौर पे आपने भेजा 10110 कितने हो गए 3 to 5, चैलेंज ये हो गए 7, अब इसमें कितने वंस हैं 5 वंस, अगर आपने 5 वंस से इवन पैरिटी में जाना है तो एक बिट और अपनी तरफ से कर दें ताकि इवन हो जाए। अब अगर ये पहुंचा डेस्टिनेशन पे और वहां पे इसके मुकाबले में पहुंच गया 1111 0111, इसमें कितने वंस हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है कि मुझे तो इवन भेजे गए हैं, ये तो ऑड हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये 7 बिट्स में कोई गड़बड़ मौजूद है, इसमें कोई एरर आ चुका है। कहां है एरर मुझे नहीं पता, लेकिन एरर जरूर है। इसी तरह जब आप अपना डेटा भेज रहे होते हैं तो इस लेयर के ऊपर टीसीपी चेकसम के जरिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ पैरिटी चेक से करवाया है, चेकसम से भी करवा दूंगा, सीआरसी से भी समझा दूंगा। सीआरसी ज्यादा पावरफुल मेथड है फॉर एरर डिटेक्शन। तो बेसिकली ये आप याद रखें कि ये 16 बिट्स किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। मेक सेंस? यस सर। नाइस। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अर्जेंट ये एक पॉइंटर है और इस पॉइंटर में वैल्यू उस वक्त होगी जब आपका पहला बिट, कंट्रोल बिट का पहला बिट अगर 1 होगा तो डैट विल बी रिप्रेजेंटिंग दी अर्ज, यहां पे एक पॉइंटर। और आपको, आप तो सबसे सी और सी प्लस प्लस पढ़े हुए लोग हैं, पॉइंटर का मतलब होता है पॉइंटिंग सम, दैट वैल्यू पर इज एन एड्रेस विच इज पॉइंटिंग टू सम मेमोरी पॉइंट, तो वो आपको यहां से मिल जाता है। और अगर यहां 0 है तो बस इसको मत पढ़ो, इसका मतलब यहां कुछ भी नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हेडर को देख के आपको अब कम से कम अंदाजा हुआ कि पहला वर्ड जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग करवाता है, जो दूसरे और तीसरा वर्ड है वो आपको रिलायबिलिटी और ऑर्डर डिलीवरी देता है, जो आपका विंडो साइज है वो आपको फ्लो कंट्रोल करवाता है, तो चेकसम जो है वो एरर डिटेक्शन करवाता है। तो और इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह कनेक्शन को बनाया जाता है, किस तरह एक सिंक और एक्स से किस तरह कनेक्शन को तोड़ा जाता है फिन के जरिए, लेकिन फिन के जरिए जब कनेक्शन टूटता है तो वो ग्रेसफुल है, लेकिन जब रीसेट के जरिए उसको तोड़ा जाता है तो इसका मतलब वो ग्रेसफुल नहीं होता, बस का मतलब है कि बन का, जैसे किसी से आप बात कर रहे हो और एकदम आप उसे कहते हैं बस मोर खबर है निश्ता, खबर है खत्म, दैट इज बाय यूजिंग दी रीसेट फ्रेम। लेकिन अगर आपके ये कहना है उसकी बात सुनना चाहते हैं, आप दूसरे भी ये बताते हैं मेरे पास और नहीं है, मैं आपकी बात सुनने के लिए अगर राजी हूं, को हाफ ओपन कहते हैं, बाय यू कैन यूज द फिन फ्लैग टू गेट इट। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये फ्लैग, ये तमाम हेडर जो कि टीसीपी का हेडर है, जो कि 20 बाइट्स का हेडर है, ये मैं आपको एक एक बिट इसकी समझाने में कामयाब हो गई, और अगर नहीं हुआ तो मोस्ट वेलकम, कम ऑन एंड टेल मी दी योर क्वेश्चन एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग। पूरी स्क्रीन आपके सामने है, कोई भी आप इसमें से आपको कोई भी फील्ड सेंटेक और सेमेंटेक में कोई इश्यू है बिल्कुल पूछिए, क्योंकि ये ही हेडर और इस हेडर के साथ क्या चीज मिला हुआ है, ये पेलोड है, जो कि पेलोड कहां से आया है, एप्लीकेशन लेयर से आया है, एप्लीकेशन लेयर का डेटा है, मैसेज है, पेलोड है, जो मर्जी नाम दे दो, और उसके साथ एक्स्ट्रा 20 बाइट्स बाय डिफॉल्ट लग जाते हैं। और अभी देख भी लेते हैं कि 20 ही है या मजाक हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता कि हम झूठ बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे क्योंकि यूडीपी का है तो अभी बताऊंगा कि यूडीपी जो है वो 8 बाइट्स ऐड करता है और टीसीपी जो है वो 20 बाइट्स ऐड करता है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई टीसीपी का अगर पैकेट हो, क्योंकि अभी हमारी मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेशन जो हो रही है वो टीसीपी से नहीं हो रही बल्कि यूडीपी से हो रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ये जी देख लें, ये टीसीपी से हुई है। तो इसमें यहां पे अगर आप गौर करें तो यू कैन सी, इसको ओपन कर लें, तो सोर्स पोर्ट 443 ये अब वेल नोन पोर्ट है, जबकि मेरी डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या था 61,447। ये बता रहा है
कि टीसीपी सेगमेंट का लेंथ कितना है, 49 बाइट्स, 59 बाइट सॉरी। सीक्वेंस नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, एक्नोलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ 20 बाइट्स, मैंने अभी ये कहा था 5 वर्ड्स। जितने भी आप यहां से ढूंढ के देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, जितने भी आप टीसीपी के खोल के देखेंगे, मोस्टली इट विल बी 5 वर्ड्स, 20 बाइट्स। फिर ये बता रहा है कि यहां पे कौन कौन से फ्लैग हैं, पुश फ्लैग और एक्ट फ्लैग, और क्या है, विंडो साइज 6858, चेकसम नहीं किया कहता, पॉइंटर की वैल्यू कहता 0 है, इसलिए वहां पे कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जितने फ्लैग्स मैंने आपको बताए, अब कम से कम आपने वायर शॉक को होने की वजह से आपको पता चल गया कि कोई ना कोई, तो हर एक, ये वाकई ये चीज है, वरना नॉर्मली जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हमें फील ये होता है कि शायद कोई कहानी है सुनाने के लिए टीचर सुना रहा है, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि नहीं, दिस इज समथिंग विच इज द रियालिटी एंड हैज सम मीनिंग एंड दिस इज बीइंग यूज्ड बाय द डिवाइसेस, मे बी द एंड डिवाइसेस और बाय द इंटरमीडिएट डिवाइसेस और बाय द सिक्योरिटी डिवाइसेस और बाय द मिडल बॉक्सेस एंड दे बिहेव दे प्रोसेस दीज बिट्स। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ आ गई? सर ये जो अर्जुन का फ्लैग है ये सिर्फ क्या 0 या 1 होगा? जी बिल्कुल, कोई भी, अगर कोई भी फ्लैग है, कोई भी फ्लैग है, मैंने नहीं कहा कि अर्जुन का फ्लैग है, मैंने ये कहा कि कोई भी फ्लैग, ये 6 के 6 फ्लैग, आपको पता है ना कि अगर ये एक फ्लैग है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि बाइनरी है, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो अगर ये 1 है, इसका मतलब ये पॉइंट कर रहा है कि मेरे पास जो ऑप्शन डेटा है उसमें कहीं पे अर्जेंट पार्ट है, उसको पहले प्रोसेस कर लो और उसकी उसका एड्रेस यहां पे दे देगा मुझे। और अगर 0 है, इसका मतलब कोई अर्जेंट डेटा नहीं है, नॉर्मल बिहेव करो बस, ठीक है, वो पूरे के पूरे डेटा को नॉर्मल बिहेव कराएगा। इस तरह अगर ये 1 है, इसका मतलब ये डेटा नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है, जो आपने डेटा भेजा था उसकी एक्नॉलेजमेंट है। अगर ये पुश है, 1 होगा या 0 होगा, अगर ये पुश है तो 1 है, इसका मतलब है कि जो भी बफर को, रिसीवर के बफर को ऑर्डर किया जा रहा है कि मत वेट करो, जितने बाइट्स मिल चुके हैं, चाहे 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, व्हाटएवर, जितने मिल गए हमको एप्लीकेशन को दो, आई ऑर्डर यू, फाइन। रीसेट या 1 होगा या 0 होगा, मोस्टली 0 होगा, लेकिन अगर 1 हो, इसका मतलब है कि कोई एरर है, कनेक्शन बंद करो, मैं ना बात करता हूं ना तो सुनता हूं, फाइन। इतना सिंक, अगर आप कोई कनेक्शन बना रहे हैं तो सिंक, और अगर आप कोई कनेक्शन तोड़ रहे हैं लेकिन ग्रेसफुली, ये नहीं है कि मैं भी नहीं करता तुम भी नहीं करो बस बात खत्म, नहीं, मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपका सुनने के लिए हाजिर, दिस इज माय फ्रेंड। जी अना, आपका यही क्वेश्चन था, ये किसी और का था? सर मेरा था अलीशा। अलीशा जी, अलीशा अब बोलो। जी सर, क्लियर हो गया वो। शाबाश, तो कम से कम आई एक्सपेक्ट के आपसे, आपने टीसीपी के हेडर को अच्छी तरह से समझ लिया। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि इन्हीं, ये तो अच्छे पर्पज के लिए है, हम इन्हीं का बुरा पर्पज भी इस्तेमाल करेंगे जब हम, आप में से कुछ लोग सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। तो हमें कैसे पता चल जाता है कि जी मिसाल के तौर पे अमेरिका में एक कंप्यूटर है, उस पर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर वेब सर्वर है तो उसका वर्जन क्या है, क्या वो ISI है, क्या वो अपाचे है, क्या वो कोई और है, सब कुछ हमें पता चलेगा। कैसे? हम इन पोर्ट्स को सर्च करते हैं उसके ऊपर जाके, पहले हम उसका IP चेक करते हैं, IP जिंदा है, अगर है ठीक है, फिर हम उसका एक एक पोर्ट चेक करते हैं, जिस पोर्ट से जवाब आ गया समझिए ये पोर्ट खुला है, फिर हम उस पोर्ट के अंदर जाके देखते हैं कि अच्छा कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे बैठी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं,
और फिर इन्हीं इंफॉर्मेशन को, इसको कहते हैं रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस करने के बाद हम उसी मशीन के ऊपर अच्छे या बुरे पर्पस के लिए अपना अटैक लॉन्च करते हैं, या अगर अटैक नहीं आप कहना चाहते तो हम चेक करते हैं कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, इसमें कोई खामियां तो नहीं है। हो सकता है हमें पता चल जाए कि इसमें तो जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो आज से 3 साल पुराना है। इसका मतलब कि इस 3 साल में जितने भी टूल्स बने हैं वो सारे के सारे इस पे इफेक्टिव हैं, यूज देम। क्यों लेडीज एंड जेंटलमैन? सर काइंडली ये रिपीट कर दें कि हैकर्स रीसेट को कैसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ रीसेट का पूछ रही है? यस सर। ओके नो प्रॉब्लम। यहां पे देखें, मैंने ये कहा कि आपने, हमने ये तो पढ़ा है, कई दफा पढ़ा है, और जब आप, अगर आपका इंटरेस्ट हो और आपने साइबर सिक्योरिटी का या क्लाउड सिक्योरिटी का यानी सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स लिया तो उसमें हम आपको ये सिखाएंगे और बताएंगे कि अगर कोई सोर्स है, कोई डेस्टिनेशन है, तो आप उसके दरमियान में मैन इन द मिडल, या शायद ये टर्म भी आ जाए कल कि वुमन इन द मिडल बनना चाहें। अब अगर आप मैन इन द मिडल या वुमन इन द मिडल बन गई, MITM बन गई, तो आप अब इसकी तमाम कन्वर्जेशन बिटवीन एस एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन सुन सकती हैं, चेंज कर सकती हैं जो चाहें। मिसाल के तौर पे आपने इतनी इंफॉर्मेशन पकड़ ली है कि अब आप डेस्टिनेशन को धोखा दे सकते हैं कि जी मैं ही सोर्स हूं। जब आपने ये कर लिया तो आपके लिए जरूरी है कि आप इसको शट डाउन कॉल दें, तुम तो चुप करो ताकि मैं सोर्स बन के डेस्टिनेशन से बात करूं। तो आप क्या करेंगे, आप TCP का एक सेगमेंट बनाएंगे जिसमें आप रीसेट फ्लैग को 1 करके सोर्स की तरफ भेजेंगे। सोर्स को ये को पता, उसको तो नहीं पता कि सोर्स को कि मेरे दरमियान में कोई मैन इन द मिडल आ चुका है। वो तो ये अज्यूम करेगा कि मुझे डेस्टिनेशन ने ये शट अप कॉल दी है, वो अपना कनेक्शन यहां से ब्रेक कर देगा। अच्छा जी मुझसे नहीं बात करते हो तो ना करो, मुझे क्या, ये कनेक्शन क्लोज हो गया लेकिन डेस्टिनेशन ने नहीं किया। तो ये मैन इन द मिडल जो है इस कन्वर्जेशन को आगे लेकर, इस कन्वर्जेशन को आगे लेके डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा। तो यूं ये दोनों आपस में ऐसे बात करेंगे जैसे कि सोर्स डेस्टिनेशन कर रहे हैं। जी सर, अगर इसकी जगह मतलब अगर रीसेट और फिन में डिफरेंस देखें, अगर फिन यूज करें यहाँ पर। अगर फिन यूज किया तो फिर तो ये होगा, अगर MITM कर रहा है फिर तो इसको कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, अभी क्लियर करता हूं। अगर इसने फिन भेजा इसकी तरफ, इसका मतलब यह कि इसने ये कनेक्शन ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको फिन का मिला, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये पता चल रहा है कि डेस्टिनेशन के पास और डेटा नहीं है, लेकिन ये तो भेज सकता है, ये अपना डेटा भेजता जाएगा। और अगर इसको कोई डेटा डेस्टिनेशन भेजती है तो ये तो उसको अब नहीं लेगा, क्योंकि ये तो कहेगा कि आपने मुझे फिन भेजा हुआ है। तो यूं ये कनेक्ट, इसका कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल MITM का नहीं आएगा। अगर आप किसी को, जैसे मैंने बताया कि आप किसी को अगर शटअप कॉल देना चाहें तो उस केस में यू गो फॉर द रीसेट। जी क्लियर सर। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, और जितने भी यहां पे आपको बताया गया कि सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, हेडर लेंथ क्या है, रिजर्व फील्ड का क्या काम है, मैंने कहा कोई काम नहीं है, फ्यूचर यूज के लिए रखा हुआ है। फिर हमने कहा कंट्रोल बिट्स हैं, 6 बिट्स हैं, हर बिट की यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मैंने तमाम बिट्स आपको एक्सप्लेन किए। विंडो साइज फ्लो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एक्सप्लेन किया। फिर आपको चेकसम बताया कि एरर के डिटेक्शन के लिए, एरर की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको, आपके सामने एक्सप्लेन की, क्योंकि TCP बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो इसकी तमाम अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी हमें कंप्लीटली पता होना जरूरी है। फिर चेकसम के बाद अर्जेंट फील्ड भी बताया कि अर्जेंट फील्ड क्या का क्या काम है। तो अगर आपने कंट्रोल बिट में जो पहला फ्लैग है, अगर आपने उसको 1 किया हुआ है, अगर आपने उसको 1 किया हुआ है, तो फिर आप, इसका मतलब है कि आप यहां पे एक 16 बिट का पॉइंटर प्रोवाइड करेंगे जो को डेटा को, डेटा में पॉइंट कर रहा हो। यहां पे जाओ, अर्जेंट डेटा है, इसको पहले उठाओ, इसको प्रोसेस करवाओ, बाकी बात को बाद में देखो। तो ये तो हो गया
सारी बातें टीसीपी। तो यहाँ पे भी ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि देखिए आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो चाहे वो एफटीपी है, चाहे वो एचटीटीपी है, चाहे वो एचटीटीपीएस है, चाहे एसएमटीपी है, चाहे एसएसएच है, दे ऑल आर यूजिंग द टीसीपी एंड देन इट गोज टू द आईपी। यू आप मल्टीपल इज गोइंग टू वन, इट इज कॉल्ड लाइक ए मल्टीप्लेक्सिंग। इस तरह आईपी जब डेटा टीसीपी को देता है तो बाय यूजिंग द पोर्ट नंबर, नाउ दिस ऑल आर यूजिंग एनीथिंग। आपका इंटरनेट ड्रॉप हो गया, मैं आपको इंटरनेट ऑफ देता हूँ, ऐसे भी एक क्लास 5 मिनट आप फॉर अ टाइमिंग इसको देख लेंगे। अच्छा एक मिनट, ओके। तो हम बात ये कर रहे थे कि वी आर हियर के मुख्तलिफ। अब देखिए ये एचटीटीपी, एचटीपी इज यूजिंग पोर्ट नंबर 80, एफटीपी पोर्ट नंबर 20 एंड 21, एसएमटीपी पोर्ट नंबर 25, एसएसएच इफ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रॉब्ली इट इज पोर्ट नंबर 22। अगर आपने वेल नोन पोर्ट सारे देखनी हो, यू कैन गो, यू कैन गूगल इट एंड यू कैन सी कि किस प्रोटोकॉल के लिए कौन सा पोर्ट नंबर है वेल नोन। मैंने आपको बता दिया कि 0 से लेके 1023 तक है, तो इनमें से ये वेल नोन पोर्ट के जरिए आप उनको अलग अलग कर देते। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग योर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द यूडीपी। यूडीपी का जो फीचर्स हैं, ये बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस में क्या कहा था, हमने कहा था रिलायबिलिटी, हमने कहा था ऑर्डर डिलीवरी, हमने कहा ऑर्डर डिलीवरी, हमने कहा मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, हमने कहा फ्लो कंट्रोल, हमने कहा एरर डिटेक्शन। तो दीज आर दी फंक्शनैलिटीज आर फीचर्स विच टीसीपी प्रोवाइड। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यूर द ब्रदर ऑफ टीसीपी विच इज यूडीपी, इट डजेंट प्रोवाइड नीदर रिलायबिलिटी, आई शुड यूज द ग्रीन हेयर, इट डजेंट प्रोवाइड यू रिलायबिलिटी, इट डजेंट प्रोवाइड यू ऑर्डर डिलीवरी, इट डजेंट प्रोवाइड यू फ्लो कंट्रोल एंड इट डजेंट प्रोवाइड यू द एरर डिटेक्शन। तो फिर आप कहेंगे प्रोवाइड क्या करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन इट ओनली प्रोवाइड दी मल्टीप्लेक्स एंड डी मल्टीप्लेक्स। तो लाजमी तौर पर जब ये फीचर नहीं करता तो इसका हेडर का साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि टीसीपी का तो मिनिमम साइज जो है 20 बाइट्स, आपने अभी देखा 5 वर्ड्स। इसके मुकाबले में यूडीपी का हेडर ओनली 8 बाइट्स का है। तो यू जब भी आपको फास्टनेस चाहिए, आपको रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, आपको ऑर्डर डिलीवरी नहीं चाहिए, आपको फ्लो कंट्रोल नहीं चाहिए, नाइस यूज दी यूडीपी। जब भी आपने देखा कि जूम वॉज यूजिंग दी यूडीपी बिकॉज इट इज अ रियल टाइम ट्रैफिक एंड रियल टाइम ट्रैफिक इज ऑलवेज पॉइंटिंग फॉर फास्टनेस, इट डजंट केयर फॉर द रिलायबिलिटी एंड ऑल दिस स्टफ। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो जूम और रियल टाइम एप्लीकेशन मोस्टली यूज द यूडीपी। डज इट मेक सेंस? अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो बस इसका इसका जो 8 बाइट्स हैं और फिक्स है, 8 बाइट्स हैं और फिक्स हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो मैंने कहा ये मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग एंड दैट इज बीइंग डन बाय यूजिंग द सोर्स पोर्ट एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस। बाकी क्या बताता है चेकसम, विच इज आगे जाके आपको बताऊंगा कि चेकसम इज यूज इज ए एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म बट वीक वन। आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि जब आपको पता है कि ये वीक है तो क्यों इसको डिस्कस करते हैं, क्यों उसको पढ़ाते हैं। सो आंसर ये है कि इस ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आईपी, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आईपी लेयर है, नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर नीचे डेटा लिंक लेयर है, और डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपका वेल नोन सीआरसी चल रहा होता है
यहाँ पे एक मजबूत मेथड है तो चांसेस ये नहीं है कि यहां से कोई अनचेक निकल जाए, लेकिन फिर भी हमने एक कमजोर मेथड रखा हुआ है। जैसे देखें ना, आपके यूनिवर्सिटी के बाहर गेट के ऊपर लटके रहे बंदूक लेके बंदा खड़ा है, सीआरसी है, किसी गलत बंदे को अंदर नहीं आने देता। लेकिन आपकी लैब्स या आपके क्लासरूम्स के बाहर आपके अटेंडेंट खड़ा होता है, वो कमजोर है, उसके पास तो छड़ी भी नहीं है। तो चेकसम सिर्फ इस पर्पज के लिए है कि अगर कोई गलती से भी सीआरसी से रह जाए तो उसको यहां अगर रोक लिया जाए, पकड़ लिया जाए तो वेल एंड गुड, ना पकड़ा जाए तो नजर बैठ। और लेंथ का तो आपको पता ही पता है, इट टेल्स यू द लेंथ ऑफ द डेटा। डू रिमेंबर, इसका लेंथ की जरूरत ही नहीं है, हेडर लेंथ की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज फिक्स। जो फिक्स है तो व्हाई टू टेल। इज इट क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। देखिए इसी को ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि सोर्स पोर्ट का क्या काम है, डेस्टिनेशन पोर्ट का क्या काम है। आपको बताया है कि जी ये एप्लीकेशन को अलग अलग करता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, इससे ही मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो बताया कि जी इट इज द लेंथ ऑफ द यूडीपी हेडर डेटाग्राम पूरा, 16 बिट फील्ड दैट इंडिकेट द लेंथ ऑफ द यूडीपी डेटाग्राम। तो इसमें आपका डेटा भी शामिल है, क्योंकि हेडर का लेंथ बताने की कोई तुक नहीं बनती, इट इज 8 bytes, क्यों बताऊं बार बार, मुझे पता ही है कि 8 ही है। और चेकसम तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि इट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन, एरर चेकिंग। याद रखो कि इससे ये नहीं पता चलता ना, ये करेक्शन नहीं करता, ये करेक्शन हरगिज नहीं करता, सिर्फ ये बताता है कि जो भी आपके पास, क्योंकि अब हम उसको सेगमेंट नहीं कहेंगे, हम उसको यूडीपी डेटाग्राम कहेंगे, हम उसको यूडीपी डेटाग्राम, क्या जो डेटाग्राम आपके पास आया क्या अगर करेक्ट है तो एप्लीकेशन को दे दो, अगर नहीं है करेक्ट तो ड्रॉप कर दो, बस बात खत्म। और इस क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, सीक्वेंस नंबर भी नहीं है कि मैं बताऊं कि जी आपका डेटा मुझे नहीं मिला, बस नहीं मिला, खामोशन। और यही बात यहां पे एक्सप्लेन की जा रही है कि अगर आप यहां पे देखें तो यू कैन सी हियर कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे डीएचसीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, टीएफटीपी, वॉइस ओवर आईपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, all are using UDP and this is going to the IP. So again, many are going to one multiplexing, one is going to UDP and again by using different ports they have been separated. इसलिए मैं अभी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये नहीं हो रहा कि Zoom का डेटा मेरा WhatsApp में जा रहा हो या Facebook में जा रहा। So that is the basic concept of UDP, फास्ट, बस 8 bytes हैं, उसको देखो और डिसीजन लो, बात खत्म। वहां पे 20 bytes, 20 bytes को रिसीव करोगे, ट्रांसमिट करोगे, प्रोसेस करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, डेफिनेटली वी शुड टेक मोर टाइम। तो कल इंशाल्लाह ताला विल बी टॉकिंग अबाउट द पोर्ट नंबर, ऑल्दो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पोर्ट नंबर 3 किस्म के होते हैं, बट अगेन वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि जी पोर्ट नंबर क्या करते हैं। वेल नोन पोर्ट नंबर, यू नो वेल नोन, नंबर 2 रजिस्टर्ड पोर्ट्स, एंड नंबर 3 टेम्पररी पोर्ट्स आर इफीमेरल पोर्ट्स, इफीमेरल और टेम्पररी पोर्ट्स। तो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आर फ्रॉम 0 to 65,535। और आपको इनका मकसद समझ आ गया, इट इज एन एड, यू मे से इट इज एन एड्रेस।